बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान देश के लिए शहीद हो गया। शनिवार की शाम को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारतीय सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। इलाके में आतंकवादियों के मौजूद होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कठुआ जिले में संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई। माना जा रहा है कि इलाके में जैसे मोहब्बत के 5 आतंकवादी छिपे हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होने वाले अगले चरण के चुनाव से पहले यह राज्य में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बीते 24 घंटे में यह दूसरी मुठभेड़ है। बता दें कि कठुआ में 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक बिलावर के धांडा पैरोल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों की माने तो भारतीय सेना द्वारा रॉकेट लॉन्चर से किए गए जवाबी हमले में 2 आतंकवादी मारे गए। वहीं सेना के एक जवान के शहीद होने की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। फिलहाल सेना पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बाकी दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा।